दोस्तों, आखिर अभिषेक कुमार के पापा ने यहाँ पर सीधे सीधे की वीडियो कॉल सलमान खान को। आपको बता दें कि सलमान खान को अब जैसे ही यहाँ पर वीडियो कॉल आई अभिषेक कुमार के पापा को हुई, तो आपको बता दें कि अभिषेक कुमार के पापा ने कुछ ऐसा कह दिया है सलमान खान को जिसके बाद आप सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि जब आप सबको ये पता चलेगा कि वीडियो कॉल के ज़रिए अभिषेक कुमार के पापा ने सलमान खान को कौन सी बात कही है, तो आप इस बात को सुनकर शायद रोने भी लग पड़ेंगे और आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। क्योंकि अभिषेक कुमार के पापा ने अब अभिषेक कुमार यानी अपने बेटे को लेकर और साथ साथ ईशा मालवीय को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बारे में शायद आज तक कोई भी नहीं जानता था। लेकिन दोस्तों, आखिर वीडियो कॉल के जरिए क्या कहा है अभिषेक कुमार के पापा ने, चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल आपको बता दें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस 17 के घर के अंदर जब कैप्टनसी को लेकर टास्क हुआ था, तो उस टास्क के दौरान यहां पर अभिषेक कुमार ने समर्थ जुरेल के ऊपर हाथ उठा दिया और जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिग बॉस ने सीधे सीधे अभिषेक कुमार को घर से बाहर कर दिया है। लेकिन हम आपको ये जानकारी देते हैं कि जैसे ही अभिषेक कुमार घर से बाहर हुए, तो यहां पर फूट फूट कर रो रहे हैं अभिषेक कुमार के पापा। अभिषेक कुमार के पापा ने यह कहा है कि सलमान खान को मैं ये कहना चाहता हूं कि सलमान सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने हर एक शख्स की मदद की है क्योंकि आपका दिल बहुत खुला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे बेटे को एक मौका दे दो। वो जैसा अग्रेसिव है, वैसा वो असली में नहीं है, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पीछे अगर किसी का हाथ है, मेरे बेटे को अगर किसी ने गुस्से में लाया है, किसी ने बिगाड़ा है, तो वो ईशा मालविया है। ईशा मालविया ने मेरे बेटे को परेशान कर रख दिया है और ये ईशा मालविया भी जानती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभिषेक कुमार एक ऐसा इंसान है जो किसी के दुख को देखकर एक मिनट में रोने लग पड़ता है और उसे दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज आप इसे एक मौका दे दो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।